उधर देख भाई, उधर देख। हाँ? प्रिया। हे रविशंकर, तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? मैं तुम्हें। हाँ तुम। मैं तुम्हें ना। हे, कहना है तो कहो, नहीं तो निकलो। मुझे कुछ नहीं कहना है। हाँ? What? ए, अरे तुम ऐसे मत देखो, मेरे दाढ़ी का कलर चेंज हो जाता है यार, हंसो मत। मैं कोई कल्पना नहीं कर रही थी, मैं यही हूँ। तुम्हें पता है तुम कहाँ से हो, अदरवाइज तुम जानते हो तो। हाँ। अर्जुन। कांग्रेचुलेशंस। अर्जुन कंग्रेट्स। थैंक्स परिणति। यार ऐसा करना बंद करो ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हे अर्जुन, वेल डन, वंस अगेन कंग्रेट्स। थैंक्स सर। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए प्लीज। मुझे एक छोटा सा डाउट है। क्या डाउट है बोलो। आज सुबह आप मैजिस्टिक की तरफ से आ रहे थे या मार्केट की तरफ से आ रहे थे? तुमसे मतलब? क्योंकि आज फ्राइडे तो मूवी देखने जाना है। कौन सी मूवी रिलीज हुई है सर, बताइए ना सर। थैंक यू सर। सॉरी सर। ओके स्टूडेंट्स, हमारे स्टेट में लगभग 80 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा घना जंगल है। इस जंगल में कर्नाटका के सरकार ने अंदर जाने की रोक लगा रखी है, क्योंकि वहां से कोई भी वापस ही नहीं आ सकता। उस बड़े से घने जंगल में कोई क्रिमिनल है या कोई भयंकर आत्मा भी है, और ये कोई भी नहीं जानता। क्या यहाँ कोई ऐसा बहादुर है जो इस बड़े से जंगल को स्टडी कर सके? तो कर सकते हो, क्योंकि जहां जज्बा हो वहां रास्ता मिल जाता है। अगर किसी ने ठान लिया कुछ पाने को तो वो कुछ भी पा लेता है। एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, चार्ल्स बैबेज, जिसने कंप्यूटर को बनाया। और मार्कोनी अगर चुप बैठे रहता तो वो कभी रेडियो बना पाता? मार्कोनी की जैसे ही वो रेडियो बना पाता, वैसे ही फिलो फ्रांस पर उसने ठाना, इसीलिए तो टीवी का निर्माण हुआ। सबके अंदर एक टैलेंट होता है, तो सबसे पहले उसे ढूंढो। स्पेशली फ्यूचर जर्नलिस्ट, तुम पसंद करते हो नई चीज और इन्वेंशन को, तो तुम्हारे खून और सांस में वो होना चाहिए। जब तक तुम जिंदा हो तब तक अपने डिसीजन अपने हाथ में लो, क्योंकि हार या जीत भगवान के हाथ में है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सी यू सर। थैंक यू सर। अर्जुन, इतनी देर से क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अर्जुन, तुम फॉरेस्ट एरिया के बारे में सोच रहे थे ना? हाँ प्रिया, मैं सोच रहा हूँ अगर उस जंगल में कोई आत्मा हुई या कोई वैम्पायर हुआ तो क्या होगा? सोचो जरा। बैठे बैठे सोचेगा तो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। कितने भी मूर्ति को मान ले, लेकिन आस्था खुद में होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं दो बात की, अगर तुम सब साथ चलो, हम सब अंदर चले जाएंगे। तुम बेकार की मत सोचो, मैं एंट्री करवा दूंगा। ए, क्या तुझे लगता है कि वो मॉल का भूत बंगला जैसा है? वो एक घना भूतिया जंगल है। बिल्कुल सही बोला है मेरे भाई, मैं बैचलर नहीं मरना चाहता भाई। यार मरने के पहले कम से कम कुछ तो कर लूं। अगर सब कोई तैयार है तब भी मैं नहीं आना चाहूंगा। हे शंकर, तुम फिर चालू हो गए ना, अपनी बकवास बंद करो और शांत रहो। शंकर, अगर हम आज डरेंगे तो जिंदगी कल हमारे लिए कठिन हो जाएगी। अगर तुम रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ। सही बोला विक्की, चैलेंज लेने की भूख आसमान से भी ऊंची होनी चाहिए। हमारा कॉलेज 15 दिन के लिए बंद है, कल से शुरू करें क्या? अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? उस प्रोफेसर को तुम लोग जानते नहीं हो, वो एकदम पागल है। दिमाग नहीं है उसके पास, उसका दिमाग खाली है। ऐसा बाउंसर मारेगा ना, तुम्हारा सेंचुरी निकल जाएगा, समझे? मेरा बात मानो यार। अर्जुन, शंकर बिल्कुल ठीक कह रहा है, वहाँ खतरा हो सकता है, हम कहीं और चलते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं और चलते हैं, जब कोई उसका कुछ नहीं कर पाया तो हम क्या कर लेंगे। अरे मेरे भाई, तू चलना यार, चल के पार्टी करते हैं। मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, पीने का भी करता हूँ। प्लीज अर्जुन, प्लीज। सॉरी गाइस, तुम सब जाके मस्ती करो, कल मैं और विक्की जाएंगे। हम भी चलेंगे। हम सब भी आएंगे। मैं भी चलूंगा। थैंक्स गाइस, देखना सरकार हमारी हिम्मत को पूरे कॉलेज के सामने सल्यूट करेगी।
क्या हुआ तुझे? तू थक गया है क्या? पता नहीं अर्जुन, ऐसा लगा किसी ने स्टीयरिंग खींचा है। सब ठीक तो है? सब ठीक हो ना? डोंट वरी। मैंने कितनी बार मना किया पर कोई सुनता ही नहीं मेरी मेरी बात। मान लेते तो आज ये हादसा नहीं होता। प्रणति, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। हाँ, तुम तो ठीक हो ना? हाँ, थैंक गॉड कि सब ठीक है। अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो उतरते। हाँ, चलो। ए शंकर, चल ना। चल साइड हट रे। अरे चल। विक्की, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? फिर से कोशिश कर। नहीं हो रहा। ठीक है, पैदल चलते हैं, इसको वापस आकर लेकर जाएंगे। ठीक है, चलो इसको यहीं रहने दो। हे ये लो। हे रुको, मेरे लिए। हे विक्की, समझ नहीं आ रहा ये स्टीयरिंग खुद से नीचे कैसे हो सकता है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये कैसे हो गया। वैसे ये जगह अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी है। अर्जुन, हमें ये रास्ता लेना चाहिए। ये रास्ते पर हम इस साइड नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों शंकर? क्यों? अरे वहाँ देखो यार, एंट्री प्रोहिबिटेड है। अरे वो हमारे लिए नहीं है, चल। अरे यार, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोग सीरियस हो कि नहीं? अरे यार, उधर जाना मना है फिर भी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। भगवान, मुझे बचा लेना भगवान। अर्जुन, तुम्हें कोई आइडिया है इस जंगल के बारे में, रास्ते वगैरह? हाँ, प्रोफेसर के हिसाब से ये 78 किलोमीटर है, लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्थ से साउथ तक 140 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट तक 98 किलोमीटर होगा। सच में जंगल तो बहुत बड़ा है। ये तो बहुत ही बड़ा है। ए अर्जुन भाई, यहाँ कोई शेर या चीता तो नहीं मिलेगा रास्ते में? तुझे क्या लगता है यार, शेर चीते के अलावा कोई डांसर मिलेंगे क्या? ये बच्चों की तरह है, हमेशा डरता रहता है। ए शंकर, तूने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे मैं तेरा पति हूँ, छोड़ ना। ए, मुझे अकेला मत छोड़ो यार, मुझे अपने साथ लेके चलना भाई। ठीक है, चल। पागल। Thank you.
क्या हुआ? यहाँ जरूर मच्छर होंगे, डोंट वरी। ये क्या था? तुम सब डर गए ना? पागल। मैं कितना डर गई थी। पागल, चलना। तू भी। चल। कैसा मजाक कर रही है? भाइयों, यहाँ थोड़ी देर रुककर आराम करते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है। मेरे लिए भी। क्या है? कुछ आवाज सुनाई दे रही है।
चलो खैर छोड़ो, चलो कहाँ गए थे तुम विकी? मैंने कुछ आवाज सुनी थी इधर ही पास में। अरे भाइयों, ए भाई क्या हुआ? ये सही जगह है सोने के लिए, हम यहाँ पर रुक सकते हैं, क्या कहते हो? हाँ अर्जुन, जग्गी सही कह रहा है, ये सही जगह है। अरे यार अब तुम लोग सोच क्या रहे हो, एक नंबर जगह है ये, जैसे जग्गी ने बताया था, यहीं पे खाते हैं पीते हैं बढ़िया, यहीं पे सोते हैं। चलो आ जाओ। अरे यार सुबह सुबह गलत जगह पे मार के उठा दिया इस बंदे ने। बाकी सब लोग कहाँ चले गए यार, हे भगवान। अरे मैं तो भूल ही गया कि हम लोग जंगल में हैं यार। जगी उठना यार। मेरे भाई गुड मॉर्निंग, तुझे और तेरे पुछवाड़े को। छी साले शर्म कर। साले बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान निकला तू, तो शर्म नहीं आ रही तुझे? अरे तू मेरी बात छोड़ यार, बाकी सब लोग कहाँ गए हैं? अरे यार गए होंगे सुबह सुबह सब इधर उधर फ्रेश होने के लिए, चला देखते हैं आगे। अरे मेरे भाई तू रुक जा यार, इसमें तू सोच क्या रहा है, क्या कोई कंटेनर लाया तू अपने बैग में? अबे पिछवाड़ा धोने के लिए बॉटल की जरूरत नहीं है। अरे पेपर है, टिश्यू है, यहाँ देख इतने सारे पत्ते हैं, ये पूरा जंगल तेरा ही है मेरे भाई। अरे मेरे पेट में ऑलरेडी गुड़गुड़ शुरू हो गया है मेरे भाई। चल चल जल्दी चलते हैं, चल 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 भाग के चल। पानी कितना ठंडा है ना, मैं भी ठंडी हो गई। ठंडा है, मैं भी ठंडी हो गई हूँ। मजा आ गया ना। मुझे जाना है, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। यू एंजॉय। कम ऑन प्रिया। नो, तुम मजे करो। वाओ कितना क्यूट है।
बेबी अगर ये मुझे सच में पसंद करता है तो ये घूमेगा, है ना? ओह कम ऑन, यस। शंकर तुझ में ना मदद करने का नेचर ही नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? मेरा हेल्पिंग नेचर नहीं है? मैं किसी का हेल्प ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ, इससे चेन नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। प्रिया। हाँ बोलो। मे आई हेल्प यू? अरे रानी लक्ष्मी बाई, मैं तुम्हारे बैग की चेन लगाने की बात कर रहा था। ओहो, तो ये बात है। मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाया है ये आदमी। कैसा आदमी है यार। लेकिन कोई बात नहीं, प्यार में सब कुछ जायज है। शंकर तुम्हें ऊपर चढ़ने के लिए अभी भी सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो उस चीज को पाने के लिए। एनीवेज थैंक्स शंकी, कम ऑन। जल्दी आ शंकर, समय सबका हिसाब करेगा। हाँ हाँ आता हूँ। और कितना दूर है मेरे भाई? मेरे पांव जवाब दे गए हैं। ए जग्गी, ये जंगल अगर सच में भूतिया हुआ तो क्या होगा? तुझे अभी ये सवाल क्यों आ रहा है? अरे रात को जब मैं सोया था तो अजीब अजीब नॉइजेस सुन रहा था, इसलिए मैंने पूछा तुझसे। कोई हैरानी नहीं, जंगल में अजीब सी आवाजें ही सुनाई देती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ शुभ लक्ष्मी सुप्रभात ट्यून सुनाई देंगी? तुम भी ना। सही बोल रही है। हाँ हाँ चलते रहो चलते रहो। क्या दिक्कत है भाई, जरा नीचे भी देखकर चला करो। दिन में सपने देखना बंद करो और रास्तों पर ध्यान दो।
विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि जंगल में कोई दुष्ट शक्ति है? मुझे कैसे पता होगा, मैं पंडित थोड़े ना हूँ। अर्जुन, मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, थोड़े समय के लिए रेस्ट करें, क्या बोलते हो? हर कदम काउंट होता है, हम सपने बड़े देख रहे हैं और मेहनत कम। चलो बैठ जाओ, अभी तो मंजिल बहुत ही ज्यादा दूर है, तो तब तक आराम कर लो। ए जग्गी, तूने भी ये सब बोलना शुरू कर दिया, पक्का तुझे ये सब इस गधे ने सिखाया होगा। प्रिया सुनो, थोड़ी देर सभी आराम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। ओके। प्रिया ये लो खाओ। इन दोनों की जोड़ी सिर्फ एक ही है लाखों में, जन्म जन्म का साधा। अरे छोड़ दे मुझे। अरे खेलना बंद करो, बस बस। हे शंकर, इससे पहले तेरे पापा कभी इस जंगल में आए थे क्या? क्या हो गया यार? कुछ नहीं हुआ यार, उन्होंने अपना अंडरवियर तेरे लिए छोड़ दिया है, क्योंकि तू पहनता नहीं है ना, ये देख तेरे लिए छोड़ा है। ए अर्जुन। ए शंकर, देख सूरज की रोशनी तेरे सर को चूम रही है। तुम बहुत मजाकिया हो। सुनो, अब निकलते हैं ना। आज सब लोग यहीं रुकेंगे, कल से यहीं कंटिन्यू करेंगे, क्या बोलते हो? ऐसा ऑफर कौन ठुकरा सकता है मेरे भाई, बिल्कुल सही कहा तूने, आज यहीं हॉल्ट करते हैं। डियर फ्रेंड। ये भी है। ये तो पहले से ही डरा यार। सुनो दोस्तों, बीते हुए पल की जितनी भी यादें, आने वाले पल की भी यादें होती ही हैं। आज का पल कल का सपना है, हम कब आखिरी सांस लेंगे किसको पता। तो एक प्यारी सी सेल्फी इस खूबसूरत शाम की तो बनती है ना। चलो। ए जग्गी, अच्छी फोटो लेना यार। एकदम मस्त फोटो खींचना यार, ऐसा फोटो खींचना कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आए और फेसबुक का ओनर भी उसको लाइक करे यार। ओह, लगता है नूडल्स रेडी हो गया है, जाओ धो लो। क्या? हाँ था और क्या। गाइस पहले नूडल्स खा लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम। हाँ, ये तूने सारे दिन में पहली अच्छी बात बोली है। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो सबसे पहले मैं ही खा लेती हूँ, तुम सब भी आ जाओ। ए शंकर, रुक जा, अभी आता हूँ। तू वहाँ पर क्या कर रहा है? सांपों के साथ हुतुतुतु खेल रहा हूँ। रुक जा, जल्दी ही आता हूँ। अरे यार ऐसी इच्छा हो रही है कि डैम का पानी खोल दूँ और पूरा भीग के नहा लूँ उसमें। हे, श्श, श्श।
वहाँ भूल कर भी जाना मत, समझे? शंकर ने वहाँ पे अपने हिसाब को छोड़ दिया है। जैसे हम समय को नहीं रोक सकते हैं, वैसे ही हम इसको भी नहीं रोक सकते हैं। हेल्थ के लिए ये अच्छा है भाई। हाँ, हाँ। शंकर, क्या तुम सांप लेके आए हो? हाँ, तुम खेलना चाहोगी क्या उसके साथ? मुझे तो चंपा कली चाहिए थी यार। हाँ? क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? चंपा कली? अरे मेरा मतलब है कि मुझे ये चीज चाहिए थी। बकवास बनकर खाना खा ले चुपचाप। बाबा, खाना खाने के बाद हमें जो शांति मिली, मजा ही आ गया। हाँ हाँ, क्या सबने खाना खा लिया? हाँ भाई। शंकर, तुम बहुत बहादुर हो, है ना? ये भीम की तरह स्ट्रांग है और अभिमन्यु जैसा होशियार भी। तू अपना काम देखना यार, तुझे क्या लगता है तू कितनी दूर जा सकता है अर्जुन? चल तू जवाब दे, बता मुझे। कल तक पता चल जाएगा। शंकर, क्या तुम्हारे पास कोई लव स्टोरी है शेयर करने के लिए? बोलो ना। मैंने इसके पास्ट के बारे में पूछा है, प्रेजेंट के बारे में नहीं। मेरा दिल मंदिर है, किसी टॉयलेट की तरह नहीं है जो इसमें कोई भी आएगा और चला जाएगा। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? प्यार अंधा होता है, इसके घाव का कोई मलहम नहीं होता। प्यार करने का कोई सटीक कारण नहीं होता है। मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी नहीं हूँ, मैं बस एक आदमी हूँ, वो भी आम आदमी, शंकरा शंभुलिंगा का बेटा। प्यारी ऑडियंस, हम सबका ये सवाल है कि यहाँ पर खूनी है या शैतानी आत्मा? हम लोग जंगल में रह रहे हैं, देखते रहिए कैमरामैन जग्गी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ भी बकवास कर रहा हूँ। अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ प्रणीत, डर लग रहा है क्या? हाँ अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना ठीक है, लेकिन कायर मत बनो, बहादुर बनो, हम सब लोग हैं ना तुम्हारे साथ। प्रिया, जरा तुम इधर आओ। ओके ओके, वाह वाह, रिकॉर्ड करो। प्यारी ऑडियंस, ये है अर्जुन, हमारे टीम का लीडर। ये महाभारत के अर्जुन जितना बहादुर है। विक्रम, ये कभी अपने वादों को नहीं तोड़ता, ये भी महाभारत के विक्रम जितना बहादुर है। ये हमारे टीम का लेजेंड है, सबसे स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बंदा, शंकर शंभुलिंगा का बेटा। क्या बोला तुमने? शंभुलिंगा। परिणीति, क्या हम डांस कर सकते हैं? चलो ना, मजे करते हैं। वाओ, गुड आइडिया। क्यों ना हम सब डांस करें? ए, लेडीज पहले डांस करेंगी, हर चीज में लेडीज फर्स्ट। हाँ, शंकर ने बिल्कुल सही बोला, लेडीज फर्स्ट। ए विकी, तू दारू लाया है ना? नहीं घोचू, मैं उस बारे में नहीं, इस बारे में बोला हूँ। हाँ, हम स्टार्ट करेंगे, तुम्हें भी ज्वाइन करना चाहिए। श्योर? हाँ हाँ, मैं ज्वाइन करता हूँ। अरे आराम से, कौन है? जरूर कोई जानवर होगा, चलो चलते हैं। बच गया। थैंक गॉड। अबे गौचू, ये तू है क्या? हाँ मैं हूँ, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, चल।
ए शंकर, उठना यार। गुड मॉर्निंग अर्जुन। गुड मॉर्निंग। यार रात को ठीक से सो नहीं पाया मैं। गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग। ए विक्की, ये जग्गी कहाँ है? मुझे नहीं पता अर्जुन। जग्गी, 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 अरे कहाँ है तू? ये कहाँ चला गया? जग्गी, 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 तुम कहाँ हो? जग्गी, 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 जग्गी। जग्गी, जग्गी, कहाँ हो तुम? जग्गी, 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 जग्गी। क्या वो मिला? नहीं। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे और जोर जोर से उसका नाम चिल्लाएंगे, क्योंकि यहाँ मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, समझ गए? शंकर, परिणीति, तुम दोनों इस रास्ते से जाओ। विकी, तुम यहाँ से जाओ। प्रिया, तुम उधर जाओ, मैं उधर जाके देखता हूँ, ठीक है? ठीक है। चलो 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 चलो। जग्गी, जग्गी, अर्जुन, ये क्या हुआ? जग्गी, 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 जग्गी,
अर्जुन, मैंने तुझे पहले ही कहा था यार, यहाँ किसी भूत के साया है, तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देखा तू मेरे बात ना मानने का नतीजा, देखा अब क्या करेंगे हम यहाँ बता। इन सब का जिम्मेदार तू है, जग्गी के मौत का जिम्मेदार सिर्फ तू है, सिर्फ तू। अर्जुन, यहाँ कोई बहुत बड़ा राक्षस है यार, शैतान है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा। शंकर, हार या जीत सिक्के के दो पहलू की तरह होता है, हम भले ही आज हार गए लेकिन हम कभी न कभी जीतेंगे भी। तेरे को जाना हो तो जा, लेकिन मैं और अर्जुन यहीं रहेंगे। सुनो, मैं तुम सबसे विनती कर रहा हूँ, तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं किसी और की जिंदगी अब खतरे में नहीं डाल सकता, मैं यहाँ रहूंगा। जग्गी की मौत का जिम्मेदार कौन है ये पता करके ही मैं वापस आऊंगा, समझ गए? अभी तुम सब जाओ। ये तू कैसी बातें कर रहा है, मैं चला जाऊंगा। शंकर, अभी यहाँ किसी के दिमाग का हाल ठीक नहीं है, इसलिए मत जाओ। यहाँ से अकेले जाना किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा, तो जिस चीज के लिए आए थे वो पूरा करते हैं, फिर साथ में चलेंगे। अब हम क्या करेंगे? अर्जुन, मैं हूं यहां पर, विक्की भी है, तो फिर डर क्यों रहे? चल चलते हैं, चलो। मरने के बाद स्वर्ग का एक्सपीरियंस मिलेगा, पहले जिंदा रहकर यहां नर्क देख लेते हैं। बेचारा जग्गी, भगवान जाने उसे कितना दर्द हुआ होगा मरने से पहले। मैंने पहले ही कहा था लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, अब देखो क्या हो गया, क्या करेंगे अब हम? शंकर, ये सब बातें बोलना अभी ठीक नहीं है, हमें बहुत जल्दी जवाब मिल जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखो प्लीज। हाँ अर्जुन, हम लोगों को भी हरगिज हार नहीं माननी चाहिए, ये सब नसीब का खेल है, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। Oh, my God.
ए, प्रिया कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। क्या प्रिया नहीं दिख रही? क्या क्या प्रिया यहाँ नहीं है? ठीक से देखो, यहीं पर कहीं होगी वो। प्रिया प्रिया, अरे वो यहीं कहीं होगी, देखो। प्रिया प्रिया, तुम कहाँ हो? प्रिया 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 प्रिया, प्रिया प्रिया, तुम कहाँ हो? किसी को कुछ मिला? कुछ मिला नहीं। विकी, हम सबको यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए, मतलब हर एक इंसान 2 दिन में गायब हो रहा है। हमारे साथ कुछ तो होने वाला है। अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, चलो वहां पर चलकर देखते हैं। प्रिया 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 कहाँ है? प्रिया 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 प्रिया। अर्जुन, प्रिया को क्या हुआ? अर्जुन, 2 दिन पहले हमने जग्गी को खोया और अब प्रिया को भी खो दिया। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे प्रिया चाहिए। अर्जुन प्लीज कुछ करो, अर्जुन प्लीज। तुम डरो मत, वो ठीक है। प्रिया जहाँ गई होगी ठीक होगी, वो यही होगी आसपास। अर्जुन चलो वहाँ जाकर वापस देखते हैं। हाँ प्रनीति, अगर ऐसे बैठ के रोएंगे तो प्रिया को कैसे ढूंढेंगे? छोड़ के नहीं जा सकती। उठो प्रिया, उठो, कौन मुझे डांटेगा? प्रिया प्रिया से एक बात बताओ, तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? I love you, प्रिया। प्रिया। अर्जुन, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमें यहाँ होना चाहिए क्या? प्लीज वापस चलो। प्रणति, हम वापस जाकर किसी को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे।
हमें सबके सामने झुकना पड़ेगा। और प्रिया के घर वालों को क्या जवाब देंगे? हमें नहीं पता किसने मारा है, कैसे मरे। ए अर्जुन, चल यार वापस जाके सब कुछ संभाल लेंगे, जो हुआ है भगवान सब देख लेंगे। शंकर, अगर वापस गए तो इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं। हम सबको उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना होगा। पता लगाना है ये कौन है जो हम सबको एक के बाद एक मारे जा रहा है। हम पता लगा कर जाएंगे कौन है, ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, अगर हम यहाँ से वापस चले गए तो प्रिया और जग्गी के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। अगर दोनों कैसे मरे जानने के लिए मरना भी पड़ा तो ये मुझे मंजूर है। महाकाली बुच्छ। ए, कौन हो तुम? तुम सब मुसीबत में हो, तुम सब मुसीबत में हो, तुम सब एक बड़ी समस्या में फंस चुके हो। साक्षात भगवान भी नहीं बचा पाएगा, किसी को नहीं बचा पाएगा। जय काली, असुरा, सुर सुंदरा, मनोहर, कर्मयोगी, यमराजा कठोरा। ए, अपनी बकवास बंद करो, क्या कर रहे हो? निकलो, चलो यहाँ से, चलो अभी। तो जिंदगी जा चुकी है, शाम होने से पहले तुम सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चाहे तू कोई भी हो, मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तू एक सेकंड और रुका। ए, ये कोई पागल इंसान है, ये तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ये जग्गी और प्रिया के मौत के बारे में कैसे जानता है? ये जरूर कुछ ना कुछ जानता है, ये जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है। मुझे जिंदा रहना है, मुझे नहीं मरना है, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। शंकर, तू बिल्कुल भी डर मत, कुछ नहीं होगा। मैं फर्क नहीं पड़ता ये पागल है या मौत का संकेत, हम मौत को चुनौती देंगे नहीं, तो मौत या जिंदगी दोनों एक ही है। नसीब को हम कुछ नहीं कह सकते, चलो चलते हैं। हाँ शंकर, जो किस्मत में लिखा है उसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, आगे देखते हैं क्या होता है, चल चलते हैं। ए, तू कायरो की जिंदगी जीना कब बंद करेगा यार? हे शंकर, डर मत, चल। नहीं नहीं, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, मुझे मरना नहीं है। जग्गी प्रिया मर गए हैं, अब हम भी मर जाएंगे। ए शंकर, पॉजिटिव सोच यार, नेगेटिव क्यों सोच रहा है तू बार बार, हम सब हैं तेरे साथ। नहीं, मुझे अब मेरे ऊपर और कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे तुम लोगों पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम लोगों की वजह से ही प्रिया और जग्गी मर गए। क्या तुम डर गई? शंकर, क्या हुआ तुझे? यहाँ कुछ तो था। ए, यहाँ कुछ नहीं, वहां पे चल। अभी इसको बताता हूँ।
प्रणीति, शंकर कहाँ है? शंकर? 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 अर्जुन! शंकर! 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 हे भगवान, मैं यहाँ हूँ। अर्जुन! शंकर! शंकर! अर्जुन, प्रणति, विक्रम, अर्जुन इधर आ जाओ यार, प्लीज कोई बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ। हे भगवान, अर्जुन प्लीज आ जा यार, तुम लोग कहाँ हो यार, मेरी मदद करो। अर्जुन! प्रणीति, 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 क्या हुआ? प्रणीति, 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 क्या हुआ? प्रणीति, प्रणीति, उठ जाओ ना, प्रणीति, प्रणीति, उठो ना, प्रणीति, प्रणीति, क्या हुआ तुम्हें? प्रणीति, मुझे बहुत भूख लगी है अर्जुन,
मुझे चक्कर आ रहा है। विक्की, मैं अभी वापस आया। हे भगवान, ये कैसी आवाजें सुनाई दे रही है? नहीं नहीं, ये पत्तों के हिलने की आवाजें हैं। अर्जुन, प्रणीति, विक्रम, आ जाओ यार। प्रणीति, क्या तुम ठीक हो? अब बताओ कैसा लग रहा है? हुआ क्या तुम्हारे साथ प्रणीति? अर्जुन, मैं एक अनाथ हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे माँ बाप कौन हैं। मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ और जिन्होंने मुझे बचपन से बड़ा किया वो भी गुजर गए। फिर बड़ी होते होते बहुत से लोग आए मेरी जिंदगी में। कुछ लोग मेरे से सिर्फ मजे लेना चाहते थे क्योंकि मैं अनाथ हूँ। सबकी मुझ पर बहुत बुरी नजर थी। मैंने बहुत मेहनत की जर्नलिज्म बनने के लिए ताकि मैं बुरे लोगों को सुधार सकूं। उसके बाद मैं तुमसे मिली। फिर मुझे जाकर थोड़ा यकीन हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। क्या रात के 12 बज गए? हाँ, क्यों? हर किसी की जिंदगी में एक स्पेशल दिन आता है जिसको बर्थडे कहते हैं, लेकिन मैंने कभी बर्थडे या ऐसा कुछ भी नहीं मनाया क्योंकि मेरा बर्थडे मुझे कभी पता नहीं चला। लेकिन फिर भी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सामने आज तुम खड़े हो। अर्जुन, अर्जुन, आज मेरा बर्थडे है। ओह, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम अनाथ हो ये सोचना बंद कर दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, मरते दम तक, हमेशा तुम्हारे साथ। पक्का ना हम सब बच जाएंगे अर्जुन? हाँ, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस करता हूँ। अर्जुन, ये जंगल छोड़ने के बाद मैं सबसे पहले तुमसे शादी करना पसंद करूंगी। प्लीज मुझे मना मत करना अर्जुन, मैं बहुत अकेली हूँ। आई लव यू अर्जुन, आई लव यू सो मच। आई लव यू प्रणीति, आई लव यू सो मच। अर्जुन, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी दुनिया सब कुछ। देखना तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। जरूर कोई जानवर होगा, चलो चलते हैं।
यहाँ चल क्या रहा है? मैंने तुम लोग जैसे खराब स्टूडेंट्स आज तक नहीं देखे। तुम लोग नालायक हो। तुम लोग में से एक ने भी अर्जुन को किडनैप करने की कोशिश नहीं की। सब लोग ध्यान से सुनो, उन लोगों की नजर हमारे ऊपर है। समझ में आया? अभी मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। कल शाम होने से पहले मुझे वो यहाँ चाहिए। बॉस, फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ छुपा है, कल शाम तक वो आपके पास होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपके हाथों से ही मरेगा। हाँ ठीक है, आप निकलो। परिणीति, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? परिणीति, आंखें खोलो अपनी। परिणीति, क्या हो गया तुम्हें? परिणीति, विक्रम, 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 अर्जुन, परिणीति, परिणीति, अर्जुन, परिणीति, परिणीति, किसने किया ये सब? परिणीति, कुछ तो बोलो। मैंने सोचा था पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन भगवान ने मौका नहीं दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो अर्जुन, अर्जुन माफ कर दो। कौन हो तुम लोग? ए, तू अब कुछ नहीं कर सकता है, चुपचाप बैठ जा यहाँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एक बार मेरे हाथ खोलो, हाथ खोल कर दिखाओ मेरे। ए, मुझसे छुप क्यों रहा है? तू मेरा सामना कर, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ। मैं यही तुझे तेरे इलाके में तेरे लोगों के सामने मार दूंगा, अगर हिम्मत है तो सामने आ। मेरा नाम अर्जुन है, मैं तुझसे अकेला ही लड़ूंगा, सामने आ। ये प्रोफेसर तुम हो? मुझे यहाँ देखकर चौंक गए हो क्या? अगर तुम अर्जुन हो ना तो मैं श्री कृष्णा हूँ, मैं इस काली दुनिया का राजा हूँ। क्या बात है, तुम मुसीबत में हो फिर भी डर नहीं रहे हो क्या? चौंक गए हो ना? बकवास इंसान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। देख देख इसे, अबे देखना इसको कितना खून आ रहा है। इसके खून की एक एक बूंद एक जिंदगी की तरह। प्रोफेसर, कूल, कूल डाउन,
ज्यादा चिल्लाने का नहीं। वो क्या है ना, तुम्हारे दिल के लिए बहुत हानिकारक है ना। तुम्हारा दिल ना वो एक कोहिनूर डायमंड जैसा है। तुम्हारे धड़कन की बुहार एक आवाज अमीर के अमीर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। हमारी जिंदगी सांप सीढ़ी के खेल की तरह है। ए मेरे दोस्त, विक्की की एंट्री तुम सबका गेम ओवर कर देगी। विक्की, मुझे आजाद कर, मेरे हाथ खोल। हम दोनों मिलके इसको खत्म कर देंगे। जैसा गुरु वैसा चेला। विक्रम, तुम भी? हाँ, मैं हूँ। मैं पैदाइशी दानव हूँ, तुझे कैसे छोड़ दूँ। मैंने तुझे वार्न किया था ना कि अब शतरंज का खेल शुरू होने से पहले कोई नहीं रोक सकता। तुझे पता चला कि साथ रहने वाला हर कोई दोस्त नहीं होता है। तू हवा की तरह है, तू हर जगह है, पूरे कैंपस या कैंटीन में हर जगह तेरा नाम अर्जुन अर्जुन है। क्लास में फर्स्ट है, कॉलेज में फर्स्ट है, यूनिवर्सिटी स्टेट में फर्स्ट है, तू टॉपर है, तू हर जगह फर्स्ट है। लेकिन तू गया तो मैं बनूंगा फर्स्ट। मुझे नहीं पता, मैं जब भी कोई चीज हासिल करने वाला होता हूँ तभी तू आके मुझसे छीन लेता है। मैंने जो भी चाहा वो तू आके ले लेता था। मैंने खुद को रोका, खुद को रोका। मैं दोस्ती की कदर की, लेकिन आखिर में तूने तो मेरी प्रणीति को भी अपनी जाल में तूने फंसा लिया, जिससे मैं बे इंतहा मोहब्बत करता था। कैसे छोड़ दूं? तूने मुझे बोला था कि हमेशा बड़ा ही हासिल करने की सोचो, लेकिन मैं कोई गंदा इंसान नहीं हूं जो सबको मार दूं। तुमने खुद ही अपनी मौत को दावत दिया है मुझे बुलाकर। अब तुम्हें बताऊंगा बकरा कैसे हलाल किया जाता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सच में ये सच है, तुम उसी दिन मर जाते जिस दिन तुम्हें गोल्ड मेडल मिला, लेकिन तुम बच गए। सर, मैं क्या मेरा मतलब आप यहाँ? जैसा शशक वैसा विषय। अच्छा, अंदर आओ बताता हूँ। तभी फिर मुझे प्रोफेसर का पूरा सपोर्ट मिल गया। फिर सब अपने अपने रचनाकार के पास चले गए। क्या देख रहा है रे तू? मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई? जैगी, जग्गी, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। ठीक है। मेरा पीछा क्यों कर रही है? तुमने जग्गी को मारा है ना? ऐसे हैरानी से मुझे क्या देख रहे हो? यही कि मैं कैसे जानती हूँ? मैंने तुम्हारी गर्दन पे जग्गी के नाखूनों के निशान देखे थे। तू धोखेबाज। ए, रुक, बोला ना रुक। कौन है?
भगवान, भगवान, विक्रम, ए विक्रम, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने डरा दिया यार मुझे। अरे यार तूने क्यों डराया मुझे? मैं मर गया होता यार। मर जाता नहीं, मरेगा तू, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ए विक्रम, तू क्या है, क्या चाहता है? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विक्रम ये तू दर्द हो रहा है यार, तू क्या कर रहा है विक्रम? तू पागल हो गया क्या? मत कर यार ऐसा। विक्रम यार, विक्रम तू तो मेरा दोस्त है ना यार, तू क्यों कर रहा है ऐसा? मत कर यार विक्रम। तेरे से बात क्या करूं, ना तू लॉयर है ना कोर्ट है ना मैं इंसान हूँ, मैं राक्षस हूँ। अर्जुन अब आंसू बहा रहा है, आज आज मेरी जिंदगी शुरू हुई है। तूने गलती कर दी विक्रम, तूने गलती कर दी विक्रम। बच्चे अगर तू खेल का खिलाड़ी है तो मैं कोच हूँ, जितना भी काम होता है सब हाथ से ही होता है। विकेट नंबर 4 प्रणीति, मेरे सपनों की रानी। विक्रम ये तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ए, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ जो तू समझ रही है। तुम उससे प्यार कर सकती है, मुझसे क्यों नहीं? बोल, इधर आ चुड़ैल, इधर आओ। देखो विक्रम, तुम्हें नहीं पता तुम मुझे छुओगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या कर लेगी जब मुझे पता है कि क्या करना है? विक्रम प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो विक्रम, विक्रम प्लीज छोड़ दो विक्रम। साले हरामी। ए, चिल्ला मत, ये तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। राजा मैं हूँ, अगर तुझे भी राजा बनना है तो इस धरती पर गधा कौन रहेगा? मैं कौन हूँ? मैं हूँ किंग। ए, हम अपनी जिंदगी से जो चाहते हैं जरूरी नहीं कि वो हमें सब कुछ मिले, समझ गया ना तू? आज नहीं तो कल मैं तुम सब में से एक एक को खत्म कर दूंगा। ए, जो भी मेरे खिलाफ गया वो जिंदा नहीं बचा। ये कलयुग है, यहाँ मेहनत और खून पसीने की कोई कीमत नहीं, सिर्फ उन्हें है जिनको ये खून की कीमत पता है। मैं कोई बच्चा नहीं जो खिलौने से खेलूं, मैं शैतान हूँ और लोगों की जिंदगी से खेलता हूँ। दोस्त वो होता है जो हमेशा साथ रहे, तेरी तरह नहीं। तू जानता है तूने क्या किया? तूने एक एक करके उन बेचारे मासूम लोगों को जान से मार दिया। प्रोफेसर याद रखना कि मैं कभी मरने से नहीं डरता, मैं तभी मरूंगा जब मेरा सही वक्त होगा, लेकिन बदला लेने के लिए मरना जरूरी तो नहीं है ना? मरने से पहले तू एक राज जानना चाहता है क्या? शायद से ये तेरी आखिरी इच्छा होगी, तो सुन मेरी बात। इस दुनिया में एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जो बहुत रेयर है, वो ब्लड ग्रुप इस पूरे देश के 17,600 लोगों में एक ही है, और पूरी दुनिया में ये ब्लड ग्रुप 25,000 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान के पास मिलने वाला है। पता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? वो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप तुम्हारे अंदर पाया गया है जो कि बहुत रेयर है। तुम्हारे दिल की कीमत पता है? पूरे 100 करोड़। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ जो इन पैसों को इस गधे के साथ आधा बांटूं? प्रोफेसर तुम सिर्फ एक गद्दार हो, पैसों के लिए तुम मासूम लोगों की जान ले लेते हो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। एक बार मेरे हाथ खुल जाए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
सर, आपने इतने बच्चों की जिंदगी बचाई अपनी बहादुरी से। कंग्रेचुलेशन सर, आपकी इस अचीवमेंट से पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में सर, प्लीज हमें कुछ बताइए। ये पूरे देश में टेलीकास्ट हो चुका है, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, बोलिए सर। प्लीज आप लोग मुझे कोई हीरो घोषित मत कीजिए। ये जो लोग आपके सामने हैं, शायद ये याद ना करें। आप लोग चाहे तो ये सब रोक सकते हैं। आप मीडिया हो, जब आप अपने काम पर जाते हैं रोज आपको ये सब मिलते हैं, रोड पर, फुटपाथ पर, सिग्नल पर। रोज कितने अनाथ और गरीब बच्चों को देखते होंगे। बचपन से बूढ़े होने तक ये लोग सिर्फ रोड पर भीख मांगते हैं। आप लोग कभी नहीं सोचते इनके बारे में, लेकिन अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ तक आ गए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आप लोग हीरो का इंटरव्यू लेते हैं, वो क्या करता है, किसके साथ रहता है। आप अपने चैनल पर एक कॉन्टेस्ट रखिए, इन लोगों के लिए एक प्रोग्राम बनाइए अच्छा सा। नहीं तो ऐसे बच्चे आगे जाकर माफिया बन जाते हैं, ड्रग डीलर बन जाते हैं, ऑर्गन माफिया बन जाते हैं। अगर हम सब इन लोगों के लिए मिलकर कदम नहीं उठाएंगे तो इन बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो प्रोफेसर जैसे लोग रोज पैदा होंगे, इसलिए जागो और ऐसे बेगुनाह लोगों को मत टारगेट होने दो। इसलिए हम सबको जागना होगा, ऐसे बेगुनाह लोगों को टारगेट होने से बचाना होगा। ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है, यही सब होने से रोकना है हम सबको। उनको इन बच्चों से कनेक्ट करो ताकि ये पढ़ाई कर पाए और डिजर्व करें जो ये हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। ज्यादातर ट्रैवलर अक्सर यही वाला रास्ता लेते हैं। कार्ती, पक्का ना ये वाला रास्ता ठीक है? मौसम बहुत ठंडा है बारिश के कारण। वाओ कार्ती, अगर तुम्हारे कहने से हम एक घंटे पहले आ जाते तो पक्का बारिश में भीग जाते।
ये पिछले ट्रैवल करने वालों की डिटेल है। पहले का कोई जग्गी मरा, उसकी बॉडी भी मिसिंग है। सेकंड प्रिया, ये भी मर्डर था बट बॉडी तो मिली थी। तीसरा शंकर, वो भी मरा था क्या पर उसकी बॉडी नहीं मिली। फोर्थ इज प्रणति, रेप एंड मर्डर।